चुड़ैल वाला मोर भाग सात। देख, डर उतना ही सताता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि तेरा एक्सीडेंट और मेरा ब्रेकडाउन सेम टाइम पर हो गया। तू भूल जा इन सब बातों को। 3 दिन में तेरा डिस्चार्ज है। यहाँ से घर पहुँच और नई लाइफ स्टार्ट कर। जो सुशांत अभी बिखरा सा लग रहा था, वही अब इतना जब्त खड़ा था। दोस्त की परेशानी में खुद का दुख भूल जाना ही शायद दोस्ती है। संकेत को भी अब सब कुछ ठीक लग रहा था। 3 दिन कब बीत गए उसे एहसास भी नहीं हो पाया। आज संकेत के घर जाने का दिन था। सब चीजें अपने शेड्यूल पर थी। जैसे ही 7 बजे संकेत पापा और माँ के साथ नीचे आया, सुशांत अपनी डस्टर लिए गेट पर ही खड़ा था। गाड़ी की रेयर शील्ड पर एक बैनर मौजूद था, वेलकम टू न्यू लाइफ डियर संकेत। खुश किस्मत था संकेत जो सुशांत जैसा इंसान उसका दोस्त था। हॉस्पिटल के उस 8x10 के कमरे से निकलकर आज पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा था। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। घर हॉस्पिटल से 1.5 घंटे की दूरी पर था। अचानक फटाक आवाज आई और सुशांत ने ब्रेक लगा दिए। सबसे पहले तो सुशांत ही उतरा गाड़ी से और बस जम सा गया। संकेत के पापा ने सर बाहर निकाला, क्या हुआ बेटा? सुशांत के मुंह से बस अटका हुआ सा अंकल शब्द फूटा। हवा के वेग से पापा भी उतरे और सुशांत की तरह जम गए। संकेत समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। दरवाजा खोल उसने भी अपने कदम धरती पर रख दिए और कार के फ्रंट की ओर बढ़ा। टूट के बिखरी हुई कांच की बोतल और खून से लिखा हुआ संदेश, आई एम बैक। होश उड़ गए संकेत के और साथ ही साथ पापा माँ और सुशांत के। खून की बोतल टूटना आम घटना ही थी, पर खून के बिखर के संदेश में बदल जाना वाकई डरावना था। अंकल, संकेत चलो यहाँ से, कम ऑन, गाड़ी में बैठो। स्थिति अजीब होती देख सुशांत चिल्लाया। सब तेज गति से कार में बैठ गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। संकेत ने देखा कि कार का स्पीडोमीटर 100 के पार जा रहा था। सुशांत इतनी तेज मत चला, तेज चलाकर उससे बच नहीं पाएंगे। सुशांत ने हल्की सी नजर पलटी और एक्सीलरेटर पर पकड़ ढीली कर दी। संकेत की नजर माँ पर गई, वो आंख बंद किए कुछ बुदबुदा रही थी। पापा खिड़की के बाहर अंधेरे में आंखें गड़ाए बैठे थे। कार का स्टीरियो बंद हो चुका था और सुशांत बिना हिले डुले रास्ते पर नजरें जमाए ड्राइविंग में व्यस्त था। पर उस माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। घर आते ही पूरी कॉलोनी ने बिग वेलकम किया संकेत का। संकेत को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज का चीफ गेस्ट वही है। कॉलोनी के गेट पर एक बड़ा सा बैनर, वेलकम बैक संकेत। मेन गेट से कॉलोनी के ग्राउंड तक बिछा हुआ वो हरे रंग का कारपेट और ग्राउंड के एक कोने में सजा हुआ स्टेज, सब कुछ सपने जैसा महसूस हो रहा था संकेत को। ये सब देखकर कुछ देर पहले घटी घटना भी सब भूल चुके थे। एक के बाद एक लड़के लड़कियां स्टेज पर संकेत के स्वागत में नाचना गाना करते रहे और कब रात के 1 बज गए किसी को पता ही नहीं लगा। खाना गाना और डांस सब कुछ संकेत की पसंद का था उस कॉन्सर्ट में। गुप्ता अंकल, शिवानी आंटी, सुश्रुता, अविनाश, पूरब, महेश चाचा, दरोगा जी जैसे और भी बहुत लोग शामिल थे उस जलसे में। रात के 2 बजे हल्दी केटीके और आरती की थाल के साथ संकेत का स्वागत किया गया। आज सब खुश थे। माँ और पापा के चेहरे से तो मुस्कान हटती ही नहीं थी और सुशांत हर वक्त साए की तरह संकेत के आसपास ही रहा। तू रुक रहा है ना? संकेत ने सुशांत से पूछा। नहीं यार, कल सोनम को सुबह इंटरव्यू के लिए लेकर जाना है, चलता हूँ अभी, कल शाम को आऊंगा। इतना बोलकर सुशांत ने माँ पापा के पैर छुए और निकल गया। सोनम सुशांत की इकलौती और लाडली बहन है। बहुत प्यार है दोनों भाई बहन के बीच और हो भी क्यों ना। उसके पिता की मृत्यु के बाद सुशांत ने सोनम के लिए पिता का हर फर्ज निभाया है। सुशांत के जाने के बाद संकेत अपने कमरे में लेटा पिछले 2 महीनों के बारे में सोच रहा था। किस्मत ही तो थी जो संकेत बच के आ गया था इस बड़ी विपदा से। नींद कोसों दूर थी संकेत की आंखों से। उस रात की लड़की की झलक रह रहकर उसकी आंखों में उभरती ठहरती और बिगड़ती थी। अगर मान भी लिया होता कि वो लड़की ही थी तो फिर कैसे वो खून से सना संदेश सड़क पर खुद ही लिख गया? हो सकता है कि पहले से लिखा रहा हो। नहीं नहीं, वो ताज़ा खून था और बोतल से फूट कर ही निकला था। वो घड़ी भी तो इशारा कर रही थी 12 की तरफ। और रश्मि कौन है, कहाँ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, पापा को कैसे पता उस लड़की के बारे में? संकेत का मन उसके साथ खिलवाड़ सा कर रहा था। आखिरी सवाल उसके मन में बार बार नॉक करने लगा था, पर रात थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
पंखे के घूमते परों को देखते देखते संकेत को नींद आ गई। सपनों से जूझते उलझते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। ठीक 8 बजे माँ की आवाज ने संकेत की आंखें खोली। बड़े दिनों बाद आज खुद के बिस्तर में माँ के हाथ की बनी ताजी कॉफी पीने का मौका मिला था संकेत को। हल्की फुल्की चहलकदमी के बाद संकेत पापा के पास जाकर खड़ा हो गया। पापा, संकेत ने धीमी आवाज में पापा को संबोधित किया। वो अब बोल रहे थे कि जब घर आऊंगा तब बताएंगे कुछ। किस बारे में? पापा ने कंधे उचकाते हुए पूछा। वो जो लड़की बैठी थी, संकेत हिचकिचाहट के साथ बोला। पहले तुम बताओ संकेत कि वो लड़की दिखने में कैसी थी? पापा ने तहकीकात शुरू कर दी थी। पापा, सफेद गंदा सूट, गोरी तो थी पर चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, गोल सा फेस था पापा, बाकी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, हाइट 5.5 फीट के आसपास की ही रही होगी, बाकी ज्यादा नोटिस करने का मौका मिला ही नहीं, संकेत याद करते हुए बताता जा रहा था। आ, तेरी कार के मलबे में एक सुराग मिला है मुझे, बोलकर पापा एक तरफ चल दिए और संकेत छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे चल पड़ा। पिता के कदम एक ड्रार के सामने जाकर रुके, ड्रार खुली और निकला एक काले रंग का अजला सापस। संकेत ने फिर से दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि लड़की ने अपने बाएं हाथ में यही पस कड़े हाथों से पकड़ रखा था। अगर यह पस फिजिकली मौजूद है तो इसका साफ मतलब यही है कि वो लड़की थी, चुड़ैल नहीं। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।